एटी न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम एटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम एटी न्यूज और आपके साथ मैं हूँ किशनगंज के सरजमी से नरोत्तम भारती उर्फ चंदन झा। आज हमारी टीम पहुंची हुई है पोठिया प्रखंड है और आप सभी को ज्ञात हो कि विधानसभा यानी कि उप विधानसभा किशनगंज में होने जा रही है और इसमें जो है यहाँ के तमाम नेता जो है वो भागीदारी करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। मैं कहीं न कहीं एमआईएम से टिकट तस्वीर जी को मिल रही है, ये बात पूरी तरह किशनगंज क्षेत्र में फैल चुकी है, इसलिए हमारी जो टीम है वो पहुंची आज तस्वीर जी के पास कि उनकी आई क्या रणनीति है और अगर आला कमान के द्वारा उन्हें टिकट दिया जाए तो वो किस प्रकार विजय प्राप्त करेंगे, फतेह पाने के लिए वो क्या करेंगे और अगर वो फतेह पाते हैं तो किशनगंज जनाधार कैसे करेंगे। इसी कड़ी में हम आज पहुंच चुके हैं और अब बात करेंगे अब तसीर जी से। मैं मोहम्मद तसीरुद्दीन, सबसे पहले मैं चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आया है। जी तस्वीर जी, आप हमारी टीम को यह बताएं और साथ ही साथ अपने दर्शक जो आपकी किशनगंज विधानसभा के हैं जो आपको मत देंगे कि अगर आप जीत पाते हैं, अगर आप जीत जाते हैं तो किशनगंज जीर्णोद्धार कैसे करेंगे। सबसे पहली बात देखिए, हम राजनीति में बहुत दिनों से रहे हैं और 90 के दशक से लगभग हम समाज सेवा करते रहे। इस बीच में हमने विधानसभा भी लड़ा है, निर्दलीय से भी लड़ा है, हार्दिक के टिकट पर भी लड़ा है और एमआईएम के टिकट में भी लड़ चुके हैं। जैसा कि सभी जानते हैं बिहार में आज किशनगंज की जो नाम है वो कहीं न कहीं खराब है, इसलिए कि यहाँ के लोग, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब है, यहाँ के लोग अच्छे बच्चे पढ़ के कुछ बन नहीं पा रहे हैं, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग भी खराब है। आप जीत अगर प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले किस दिशा में काम करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य, यहाँ किशनगंज जिला का हम लोग का बदनसीबी है, यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा में सही काम नहीं हो रहा है क्योंकि आज आए दिन लोगों का पत्थर, हार्ट, कैंसर, इस तरह का बीमारी आज देखिए कि हॉस्पिटल में और डॉक्टर के यहाँ देखिए कि लाइन लगा हुआ है, खास करके ज्यादातर किशनगंज जिला का। और शिक्षा के मामले में जो हायर एजुकेशन हो उसका यहाँ पर तालीम नहीं हो रहा है, यहाँ लोअर जो बच्चा स्कूल डेली जाता है और वहाँ अच्छा पढ़ाई नहीं होता, अच्छा तालीम नहीं हो रहा है, उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर जी रहे हैं। अच्छा तालीम का कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हमारी पार्टी जीतती है, हमारी पार्टी कामयाब होता है तो हमारा असदुद्दीन ओवैसी जो सदर है पार्टी के, उसको लेके हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में लोगों का बहुत काम करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह हम आगे बहुत सारे सवाल नहीं है मगर सबसे बड़ी सवाल जो ये है जो कि किशनगंज के लोग जानना चाहते हैं वो सिर्फ एमआईएम की कैंडिडेट से नहीं बल्कि सभी कैंडिडेट से, इसलिए यह सवाल पूछना लाजमी है, यह सवाल पूछना आवश्यक है हमारी टीम के लिए कि तस्वीर जी, ये जो एमआईएम पार्टी है ये कहीं न कहीं लोगों की मन मानसिकता बिगड़ चुकी है कि ये एक विशेष दल यानी कि एक विशेष समुदाय के लोगों के लिए है, तो इसकी खंडित आप इसे कैसे करेंगे? नहीं, आपको ये जिन लोगों का सोच है कि एक विशेष समुदाय के लिए है ये गलत है। आपको पता है कि इस बार जो चुनाव हुआ जलील, हाँ, जो जीते हैं इम्तियाज जलील साहब, वो तो उस वहाँ पर मुस्लिम का आबादी कम है लेकिन वहाँ कामयाब हुआ, सारे लोग मिलके उनको वोट दिए। इसी तरह वो अभी जो है दलित और पिछड़े वर्गों को लेकर साथ में लेके चलते हैं और सबको लेके विकास करना चाहते हैं और यहाँ का जो शिक्षा और स्वास्थ्य का हालत है उसको सुधारने के लिए और सीमांचल में वो काम करना चाहते हैं। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो इन्होंने खंडित भी कर दिया, दूसरी पार्टी पर जोरदार तमाशा भी कसा कि जो दूसरी पार्टी यानी कि बीजेपी और कांग्रेस जो है वो हिंदू मुस्लिम कर इन पार्टी को खराब कर रहे हैं और हमेशा सत्ता में बैठने के लिए भारत में तरह तरह की अपवाद होने की, तरह तरह की आतंकवादी हमला होती है, तरह तरह की विशेष समुदाय में लड़ाई पीट होती है और इन सारी बातों को खंडित किया इन्होंने, साफ ये बात बता दिया कि हमारी पार्टी जो है वो विशेष समुदाय की पार्टी नहीं बल्कि सबको साथ में लेके चलने वाली पार्टी
पार्टी है। इन्होंने कहीं इससे पहले हमें बताया, हमारी टीम को जो हमारे इंटरव्यू प्रारंभ होने से पूर्व इन्होंने बताया कि हमारी जो पार्टी है वो दलित समुदाय यानी कि जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनके इंसाफ के लिए लड़ेगी और उन्हें इंसाफ दिलाएगी। आइए हम इसी कड़ी में इनसे आगे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनकी राजनीतिक करियर क्या है, ये कब राजनीति जुड़े, इनकी कितनी आयु थी जब इस राजनीति में जुड़े और किस किस क्षेत्र में बढ़े, समाज सेवा की, किन किन पार्टियों का साथ लेकर आज MIM के वरिष्ठ नेता के रूप में किशनगंज में इनका छवि है और ये जाने जाते हैं। आइए सबसे पहले आप बताएं कि आपकी राजनीतिक करियर कहां से प्रारंभ हुई। हमारा राजनीतिक करियर समाज सेवा, हम 35 साल की उम्र से हम लेबर यूनियन के सेक्रेटरी रहे थे और हम जो मिल फैक्ट्री सब में हम यूनियन करते थे और वहीं से हमारा शुरुआत है। हम उसके बाद फिर हम राजनीति में बिहार में प्रतिनिधि रहे, लालटी जी का MLC का प्रतिनिधि रहे, रफीक आलम का प्रतिनिधि रहे, फिर विश्वत्री का मेंबर रहे, फिर हमने 2001 में हम पहली बार चुनाव में जिला परिषद में आए और जब जिला परिषद में कामयाबी मिली तो हम फिर माननीय तस्लीमुद्दीन के साथ मिलकर और हमने जिला परिषद का चेयरमैन भी बना और बखूबी 5 साल हमने निभाया। ये 5 साल हम लोगों का सेवा के, समाज सेवा के, विकास के लिए के पुल पुलिया रोड घाट हमने इस 5 साल में बनाया और लगातार उस वक्त से अब तक हम 3 बार जिला परिषद हैं, वर्तमान में भी जिला परिषद है। जी तस्वीर जी, आप हमारे दर्शकों को यह बताएं क्योंकि बहुत छोटी बात नहीं बहुत बड़ी बात है कि किशनगंज जिला जो है वो कहीं ना कहीं पूरे भारत देश अब किशनगंज जिला को जानने लगी है क्योंकि लोकसभा चुनाव जब भी हुई कुछ मतों से यानी कि लोग जानते थे कि MIM पार्टी यानी कि अक्षय मान जो है वो वोट कटवा है, मगर ये बहुत ही गलत साबित हुई और इन्होंने लगभग 3 लाख वोट यानी कुछ मतों से ही हार की प्राप्त हुई। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं कि क्या इसका इफेक्ट विधानसभा चुनाव में पड़ेगी या सिर्फ वो केंद्र की राजनीति को देखते हुए कि युवाओं ने वोट किया और अब स्थानीय राजनीति को देखते हुए वोट करेंगे? नहीं, इस बार जो चुनाव हुआ तो लोगों को देश में इस तरह का माहौल बना जिसको लोग राहुल और मोदी को देखकर वोट किया और यहाँ जो वोट मिला ये अख्तरुल ईमान जो हमारे सदर है बिहार के पार्टी के, उनका मेहनत और उनका जज्बा और उनका लोगों से संपर्क बनाए रखा और पार्टी को वो मजबूत दिलाया, मजबूती से वो काम किया और पार्टी को भी मजबूत किया। अगर इस बार अगर अलामान आपको देते हैं सीट, अगर आपको टिकट मिल जाती है तो आप किस रणनीति के साथ कार्य करेंगे, आप किन्हीं किन्हीं साथ लेकर चलेंगे या किसी को छोड़ के साथ में चलेंगे? नहीं देखिए, हमारी पार्टी जो MIM मजलिस एतेहादुल मुस्लिमीन है ये सभी को लेकर चलेंगे और खास करके जो दलित है, पिछड़ा वर्ग है और जो मजबूर है, जिसको इंसाफ नहीं मिलता है समाज में, जो इंसाफ जहां उसको हक नहीं मिलता है उसको लेकर चलेंगे, हक की लड़ाई को लेकर आगे बढ़ेंगे। तस्वीर जी, अब आप तस्वीर जी अपनी जनता जो आपको सभी देख रही है, आज किशनगंज की जनता देखेगी, किशनगंज की नहीं बल्कि पूरे भारत की, आप आम आवाम से क्या निवेदन करना चाहते हैं उपचुनाव में आपको टिकट मिलती है? हम आम आवाम से हम अपील करते हैं कि हमने अगर सही और अच्छा सेवा किया है, लोगों के साथ समाज में रहे हैं, हम दुख सुख में रहे हैं तो हमारी मदद करें, हमारा साथ दें। हम 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, इसमें इस बार हमको आप लोग मिलकर हमको कामयाब बनाएं और हमारी पार्टी को भी मजबूत करें। यानी कि अपनी पार्टी को जिताने के लिए, फतेह पाने के लिए इन्होंने तमाम लोगों से अपील किया और इसी तरह हमारे चैनल को देखें, हमें देखें, मैं नवोत्तम भारतीय जुड़े रहने के लिए और नेट विजन केबल के 707 नंबर चैनल देखना ना भूले क्योंकि अब हमारी चैनल जो है यूट्यूब से निकलकर टीवी पर भी आ चुकी है, इसलिए हमारे चैनल को नेट विजन केबल के 707 नंबर चैनल पर देखें, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ सबसे बड़ी बात कि हमारी मासिक पत्रिका जो कि महीना में एक बार आएगी उन्हें भी पढ़ना ना भूले। धन्यवाद।